दोस्तों आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बात फ्रेंड फरमाइश पे। दोस्तों एक छोटा सा किस्सा मैं आप सभी को सुनाता हूं। आज मैंने इंटरव्यू में देखा सूर्य कुमार यादव स्काई एक बहुत पॉपुलर खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट स्टार हैं, तो आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। आपको पता होगा कि इंडिया T20 वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, शायद अगर वो कैच अगर उन्होंने नहीं पकड़ा होता ना तो फिर आज हम लोग वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाते। तो उनसे ये पूछा गया, इतना प्रेशराइज सिचुएशन था, मतलब बहुत आसान सा एक चेज था साउथ अफ्रीका के लिए, बट उस टाइम पे ऐसा लग रहा था दोस्तों कि मैच जो है वो हाथ से छूट रहा है, और फिर उस टाइम पे इतना प्रेशराइज्ड सिचुएशन पे वो कैच पकड़ना, और वो कैच जाके आप एक बार इंटरनेट में देखिएगा। जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला पता है, उन्होंने ये बोला कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आईपीएल के टाइम पे भी मैं करीबन 150 से 200 कैचेस ऐसे प्रैक्टिस कर चुका हूं, तो उस टाइम पे भी एक कैच आया तो मैंने उसको एज ए नॉर्मल ही ट्रीट किया और वो प्रेशर वाला सिचुएशन मेरे को फील ही नहीं हुआ, और मैंने बड़े आराम से बड़े प्यार से पकड़ा, और वो मेहनत जो मैंने 150-200 कैचेस में किया था वो मेरे को भी नहीं पता था दोस्तों कि इस वाले मैच में वो भी गेम चेंजिंग कैच होगा, और आज इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका है। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, इससे ये पता चलता है जो मैंने अपने सारे वीडियोस में भी पहले से भी बोल रखा है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क अगर आपको क्रैक करना है प्रैक्टिस के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, आप प्रैक्टिस के लिए आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, आप प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से भी किताब उठा के कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं आप सबको एक सलाह देता हूं, जुलाई का टाइम चल रहा है, अगस्त 3 तारीख को परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, और आपको पता है एक महीने का भी टाइम नहीं है, और जहां पे एक महीने का टाइम नहीं होता है तो फिर मैं मानता हूं दोस्तों कि वो उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों इस उल्टी गिनती वाले टाइम में अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो सबसे पहले ये बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों अभी जो टाइम है, अब ये मत गिड़गिड़ाना कि नहीं मेरा और 2-4 चैप्टर्स है उसको खत्म कर लेता हूं फिर जाके मैं मॉक टेस्ट दूंगा, फिर लगेगा कि हाँ मैंने सारी चीजों को कर दिया। नहीं, पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट का प्रक्रिया जो है उसको शुरू मत करना, मॉक टेस्ट करते करते ही पढ़ाई कर रहे हो इसका प्रक्रिया जो है वो शुरू करना। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, क्या होता है ना बहुत सारे कंसेप्ट रह जाती है, ठीक है, लेकिन आपको फिर मैं बता देता हूं आरआरबी में आपको मॉक टेस्ट से ही प्रिपरेशन करना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि अरे ये तो मेरे से बनता है बट फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे चैप्टर्स को आप स्पेशली शाम को एक आध घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ के थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो 40 अगर आपका स्कोर आ रहा है उसी मॉक टेस्ट, आजकल तो बहुत सारे मॉक टेस्ट का रीअटेम्प्ट मोड में भी आ चुका है, उसी को देना, फिर दोबारा देना, यानी एनालिसिस करके दोबारा देना, देखना 45 ही आ रहा है, उसी मॉक टेस्ट को कम से कम 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, तो प्रैक्टिस और जो स्टेप्स और जो कैलकुलेशन वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैं प्रिपरेशन के दोस्तों आप सबको गाइडली का मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन भी रेकमेंड करता हूं, बंडल पीडीएफ कोर्स भी रेकमेंड करता हूं, आई थिंक अभी तो अच्छा ऑफर भी चल रहा है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूं, 18 वेरियस आपको जो है जो सेक्शंस आपको कवर किए जाएंगे, तो आप उठाओ पकड़ो और प्रैक्टिस करो। आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं दोस्तों SFY12 और आपको और एक्स्ट्रा 12% का छूट मिल जाएगा, लेकिन प्राइम मोटिव है दोस्तों ओनली प्रैक्टिस, टाइम नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं आप समझ जाइए कि आपका और 4 मिनट जो वो घट गया, लेकिन ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी था तो इसलिए मैंने आप सभी को ये वीडियो जो है वो पेशकश करा। मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपने क्षेत्र को ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।